आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, भंते प्रज्ञा सार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अंबेडकर महासभा के सभी पदाधिकारीगण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले सभी उनके अनुयायीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भी जहां कहीं भी दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग हैं, वे सभी लोग आज के दिन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के माध्यम से न केवल अपने स्वयं के सम्मान की लड़ाई के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ी को उज्ज्वल भविष्य देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बड़े घर में पैदा होकर के बड़ा बनना यह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन परिवार में जन्म लेकर सामाजिक विसंगतियों और कुरूतियों के खिलाफ लड़ते हुए समाज को एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनना, यह महानता की शिखरता को प्रदान करने जैसा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्षों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सूझबूझ से इस महानता को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में पूरे भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ दुनिया का सिरमौर बनाने का अद्भुत कार्य तो किया ही, न्याय, समता और स्वाधीनता जिसकी थीम देकर के उन्होंने पूरे भारतवासियों के मन में एक नया उत्साह और उमंग का भाव संचार किया। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही यही देन है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के साथ जीवित रहते हुए आगे कार्य करते हुए 140 करोड़ का भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ अगर सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में लागू कर रही है, तो इसके पीछे भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस समता मूलक समाज की स्थापना का संकल्प देश के संविधान में किया गया था, उसी भाव को आगे बढ़ाने का यह एक नया अभियान है। ये वही संकल्प है जो व्यावहारिक धरातल पर आज नीचे उतरती भी दिखाई दे रही है। ये हमारा स्वप्न आदर्श जीवन लड़ते रहे उन पर कार्य करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो भी आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं आपको दिखाई देती होंगी, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, हर गरीब को मकान बनाने का हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, स्वस्थ ईंधन के रूप में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समय जो संकल्पना उन्होंने, जो कामना उन्होंने संविधान में की थी, आज वही व्यवहारिक धरातल पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सम्मान देने का कार्य किया, तो पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए थे, यह मोदी सरकार में ही ये कार्य पूरे हो पाए। ऐसे ही अनेक ऐसे हैं जो आप देखते हो कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं हर तबके तक पहुंच रही है, विकास योजनाओं में किया जा रहा है, उन्हें हर सुविधा सुरक्षा से संपन्न किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सामाजिक विसंगति भेदभाव के खिलाफ सरकार के स्तर पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हैं, हमें याद रखना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी। एक, उन्होंने वंचित और दलित तबके से एक बात कही थी, उन्होंने कहा शिक्षित बनो आगे बढ़ो। यानी ये शिक्षित बनने का जो भाव था, वे जानते थे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था असमानता अराजकता के खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़ना है इसके लिए शिक्षित बनना ही पड़ेगा, और शिक्षित बनने के इस भाव के साथ उन्होंने हम सब के लिए जो एक आदर्श दिया है हमें उसका पालन करना होगा। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि मैं आदि मेरा अंत भी और अंतिम समय तक भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहूंगा, और भारतीय के रूप में उन्होंने जीवन पर्यंत भारत की सुरक्षा संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए कार्य किया। तमाम प्रकार के प्रलोभनों से अलग हट करके उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने अनुयायियों को भी इस बारे में निरंतर आह्वान किया। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर आपका आह्वान करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो आदर्श है, जो मूल्य है, वह हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको इस पावन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।